अंदर आगे इंट्रो दें, बाहर तो इतना शोर हो रहा होता है कि कोई हिसाब नहीं है भाई। तो इंट्रो अपना देते हैं यहाँ से भाई, ये ब्लॉग अपना स्टार्ट हो चुका है। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्त करें। बाकी भी दाना पानी डालने के लिए आया हुआ था अपने बर्ड्स का, ठीक है। तो ईवन कैप्सूल लेकर आया हूँ जो मैं अपने मिसलों को डालने के लिए। तो दाने में कटोरी में मैंने दाना डाल लिया, उस दाने में दो कैप्सूल में मिला रहा हूँ 600 mg ईवन के। तो आए आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, एंड तक बने रहें। बड़ा ज़बरदस्त लोग होने वाला है। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मत करें और दुआ करें यार, मेरा जो भाई बहन लब्बर जिसकी टांग टूटी है अल्लाह उसको शफा दे और उसकी टांग ठीक हो जाए। तो ये देखें भाई, ठीक है, ये ईवीएम कैप्सूल मैं आपको बैक कैमरा ऑन करके दिखा। तो ये देख सकते हैं भाई, दो ईवीएम कैप्सूल हैं, ये आ गए भाई, ये लिखा भी हुआ है इन पे 600 mg, ठीक है। मैं आप लोगों को जूम करके ज़रा दिखा दूँ, ये देखें भाई, इस पर वाजे लिखा हुआ है 600 mg, ठीक है, ईवीएम कैप्सूल। तो ये अभी मैं एज आ फॉर्मूला ही समझ लें आप लोग, ये मैं दूंगा अपने ये मिठू को दूंगा, ठीक है, ताकि इसका पैर भी जल्द जल्द लगे इंशाल्लाह। ऊपर वाले स्पेयर को दूंगा दाना ये, और ये मासी को दूंगा और मेंटल को। तो ये कॉकटेल्स के लिए इंशाल्लाह, क्योंकि बाकी लब्बर्स तो सारे मेरे रेस्ट पर है, जिससे देने का फ़ायदा नहीं है। इस बार आएंगे तो ये दे देता हूँ अभी मैं दाने में मिक्स करके इंशाल्लाह, देन फिर आप लोगों को बताता हूँ जरूर मैंने कितना दिया। ये दाना देखना आप लोग, ठीक है, ये इतना दाना है प्लेट में, इसमें मैं ये दो मिला रहा हूँ, ठीक है। बाकी फिर थोड़ा थोड़ा यही दाना सबको इनको मैं डाल दूँगा। ये देख सकते भाई माशाल्लाह से मिट्टू खाने लग गया है दाना। यहाँ पर भी देखें भाई, आ गए बर्ड अपना अपना दाना नीचे खाने के लिए। इन लोगों को मैंने कैप्सूल मिला के दे दिए, ठीक है। अब इंशाल्लाह जो रिजल्ट आए वो भी शेयर करूँगा। ये थोड़ा दाना बच गया ही है इसमें, ऐसे ही ऊपर बल्कि मिक्स कर देते हैं इसमें थोड़ा सा, तो है कोई मसला ये बात ही नहीं है। वैसे भी ऐसा कैल्शियम में कोई मसला नहीं है भाई, जाने दो थोड़ा सा है। तो ये तो इसमें नमक बराबर भी नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा था, तो ये मैंने इसमें मिक्स कर दिया। तो अभी मैं दाना पानी डालता हूँ, दाना पानी हो चुका है, अभी हो गया फारिग, अभी चलते हैं नीचे। बाकी माशाल्लाह देख सकते हैं कॉकटेल माशाल्लाह मस्त हुए मैं इन लोगों का, हो गया भाई दाना पानी सब, कैप्सूल भी मिला के दे दिए। बाकी इंशाल्लाह अब जो रिज़ल्ट आएगा आप लोगों के साथ वो ज़रूर शेयर करेंगे माशाल्लाह। तो बस इसके लिए दुआ करेंगे यार, ये ठीक हो जाए। ट्रीटमेंट तो इसका जारी है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी इनको चेक करना है नहीं बल्कि क्या चेक, अंदर ठीक है माशाल्लाह सब ओके। मेरे को लग रहा था कि जैसे ना ये वाइट वाला ना थोड़ा फूल के बैठा हुआ, लेकिन सही है माशाल्लाह, बिल्कुल हेल्दी एक्टिव है। फिर पर आ गया हूँ मैं अपने मिनी जू पर, आज असर के मस्त से पहले आया हूँ, मैं जाकर खिला दें दाना पानी मुर्गियों को और फारिग हो जाए ताकि यहाँ से भी। तो अब इनको फटाफट खोलता हूँ मुर्गियों को, और दाना पानी का टाइम हो गया है मेरी मुर्गियों का। माशाल्लाह से आंधी तूफान ये बैठी हुई है, ये गंद भी किया हुआ है इसने, ये भी साफ़ करना पड़ता है रोज़ ही। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो भाई काफ़ी टाइम लग गया मुझे अंदर, पूरा पसीना पसीना हो गया कटोरिया का, काफ़ी टाइम लग गया था अंदर। आंधी तूफान का केज थोड़ा साफ़ किया और अंडे वगैरह देखे तो ठीक है माशाल्लाह, सारे अंडे ठीक थे माशाल्लाह से। इसको पानी रखा है, पी रही है। बाकी ये वन मोर एग जो है टूट गया, ये छोटी वाली मुर्गी के नीचे जो रखा था, और ये अनफर्टाइल था भाई, फर्टाइल नहीं था ये। तो अच्छा है, अब जो भी जितने एग्स पड़े हैं वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह फर्टाइल हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारे जितने भी एग हैं वो फर्टाइल हैं। जो जो अनफर्टाइल थे वो टूट गया, मैं खुद ही निकाल रहा था लेकिन मैंने नहीं निकाले, अब वो खुद ही टूट गया तो खुद ही बाहर निकल आया, तो एक चीज़ अच्छी हो गई। तो यहाँ पर मेंटल का हम लोग स्टिक सही कर देते हैं, मेंटल स्टिक गिरा देते हो तुम बार बार, क्यों करते हो ऐसा मिठू मिठू। माशाल्लाह से सारे मेरे टॉकिंग मेल्स हैं, ये भी और ये वाला भी माशाल्लाह, फिर ये रही मेरी मासी, ये फीमेल है, ये टॉकिंग नहीं करती है, खाली बुड़बुड़ी करती है।
बाकी मैं अपने मिट्ठू को नीचे ले गया हूँ, उसकी आई इन्फेक्शन हो गया था थोड़ा, आँख जैसे रेडिश नहीं हो जाती उस टाइप का हो गया था, जैसे बाल उड़ जाते हैं आँख के पास से और रेडिश टाइप जैसे हो जाते, तो वो सीन हुआ था, गर्मी की वजह से हुआ था। तो इसके लिए एयर वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है, आपके बड़े साथ ही कभी ऐसा हो तो एयर वेंटिलेशन करें, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं, कोई ट्रीटमेंट करने की इसकी ज़रूरत नहीं होती है। तकरीबन एक हफ्ता लगता है सही हो जाए, फिर एक डेढ़ हफ्ते में इंशाल्लाह, और मेरा मिट्टू भी इंशाल्लाह सही हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। उसको नीचे लेके गया हूँ, नीचे रखा हुआ मैंने वहाँ की पेड़ी जगह थी वहाँ रखी है। बाकी मेरी मुर्गी ने तीसरा अंडा भी दिया है और चौथा अंडा दे दिया आज, अभी मैं आकर वो भी निकाल के ले गया था माशाल्लाह से। बाकी अभी मैं मुर्गियों को खिला पिला दूँ गेम, फिर उसके बाद जो अपना व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। भाई ये दोनों जो है बच्चे बाहर निकले हैं, एक ये फीमेल के साथ बैठा हुआ है, ये रहा ये देख सकते हैं आप लोग, स्टेबल बच्चा माशाल्लाह से। मैं भी ये फीमेल अभी इसको फीड कराने की कोशिश करेगी। एक ये रहा, ये पीछे छुपा हुआ, इनको मैं बार बार दिन में अंदर रख के जा रहा हूँ, फिर आ रहे हैं, फिर रख के जाता हूँ, फिर आ जाता हूँ, तो क्या किया ये इनका यार, तंग तो बंदा ही जाता है, बार बार ऊपर आ जाके थक जाता है बंदा, करना पड़ता है, क्या करेंगे भाई, शौक है माशाल्लाह से, देखते हैं। लेकिन ये आला जो है इनमें सब में ज़्यादा हेल्दी, ये उड़ के ख़ुद मटकी में भी घुस जाता है और ख़ुद ही निकल आते हैं माशाल्लाह से। तो भाई अभी मैं नीचे आ गया हूँ, नीचे आ गया, मैंने बोला आप लोगों को मैं बता दूँ कि भाई, और अपना व्लॉग भी यहीं पर एंड कर दें। वो जो क्रिमिनो और डेकिनो वाले दो बच्चे थे, उन्हें उनके पेरेंट्स ने फीड करवाना छोड़ दिए, अनफॉर्चुनेटली बहुत मसला बना हुआ था मेरे लिए, कल से मैं रात में फीड करवाई और डे में भी मैं ही फीड करवा रहा था, तो मैं बच्चे को नीचे ले आया हूँ। क्रिमिनो वाला बच्चा जिस जो कॉलोनी में बच्चे निकल रहे हैं बाहर जंप करके, दो बच्चे उनके नीचे रखा है, मैंने सुबह फीड करवा कर रख दिया था, दोपहर को भी मैंने चेक किया, फिर मैंने फीड करवाई शाम को जब मैंने लगे, अभी मैं ऊपर था तो माशाल्लाह उससे मदर फीड हुई भी थी, मतलब फीमेल ने फीड कराई और भर के माशाल्लाह फीड कराई हुई थी, मैं अच्छी तरह चेक करके आया और शुक्र अलहमदुलिल्लाह तसल्ली की, और उसके रख कर मैं आ गया हूँ ऊपर। तो असल में बड़ा बच्चा है ना, चोंच ऊपर करके मांग रहा था फीड, खुद ही मैं भी फीड करा रहा था, मुझसे भी मांग रहा था, जिस वजह से हो सकता है उसको मदर फीड अच्छी मिल गई हो। तो ये रहा भाई वो डेकिनो वाला बच्चा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जस्ट अभी मैं फीड करवा कर हटाऊँ इसे, ये बैठा हुआ है माशाल्लाह से, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैं नीचे ले आया हूँ, तो ये इंशाल्लाह जब तक ये इस काबिल नहीं हो जाता कि खुद फीड ले, वैसे मैं नीचे रखूँगा, बाकी इंशाल्लाह दो तीन दिन बाद, एक दिन बाद जैसे ये थोड़ा एक्टिव मुझे नज़र आएगा, तो इसको भी मैं उसी फीमेल के नीचे रखाऊँगा इंशाल्लाह, पूर उम्मीद हूँ कि बच जाएगा बच्चा इंशाल्लाह। तो ओके बस दुआ करिएगा आप लोग भी, खसूसन इस बच्चे के लिए और क्रिमिनो वाले बच्चों और मेरे सब बर्ड्स के लिए, कि हेल्दी एक्टिव रहें और लॉन्ग लिव लॉन्ग लाइफ जिए। कल आप लोगों से एक नए व्लॉग में मुलाकात हुई, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।